सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, ग्राम पंचायत का नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर नारायण प्रसाद निषाद, ग्राम पंचायत भवानीपुर, विकासखंड पलारी। आप यहाँ के सरपंच हैं? मैं यहाँ ग्राम पंचायत भवानीपुर का सरपंच हूँ। जी सर, आप पंचायत के विकास के लिए अभी क्या कार्य कर रहे हैं? पंचायत के विकास कार्य के लिए अभी पूरे जो शासन के जो आदेशानुसार सभी शासकीय संस्थाओं में पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं। जी वर्तमान में आप यहाँ पे पेयजल के अंतर्गत अभी यहाँ पे नया मोटर का डाल रहे हैं, कमर्शियल मोटर, जिससे कि बच्चों को परेशानी, इसके बारे में बताइए। हाँ, जो कि हम अपने दर्शकों को भी दिखा भी दे रहे हैं कि यहाँ पे काम चालू है, मिस्त्री लगे हुए हैं। जी हाँ, हाँ जी हाँ, यहाँ ओनली हैंडपम्प बस लगा था। जी जी, लोगों को मतलब हैंडल मारना पड़ता था बच्चों को जी, और यहाँ पानी की भी मतलब सही से पानी हो पाता था जी। तो बहुत छोटे बच्चे आते थे जिससे पानी में उनको चलाने में दिक्कत होती, क्रॉस करके भी उसको जाना पड़ता था, बच्चों को रोड में रिस्क भी लेना पड़ता था जी जी। इसलिए उनकी मतलब सुविधा के लिए पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं सब। कमर्शियल जो मोटर डाल रहे हैं तो फंड के तहत डाल रहे हैं कि पंचायत का किस हिसाब से इसको मतलब यहाँ पे फिटिंग करवा रहे हैं? ये क्या अपने जो पंचायत में जो फंड है जी जी जी, जो फंड है उसको गवर्नमेंट ने स्पेशल आदेश जारी किए हैं कि जो जितने शासकीय संस्थाओं में है जी जी, पेयजल की व्यवस्था की जाए, उसके तहत हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं जी 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 जी। स्कूल प्राथमिक स्कूल है सर? ये पूर्व माध्यमिक शाला है। अच्छा, पूर्व माध्यमिक शाला है। इसके अलावा आंगनबाड़ी है जी जी जी, चार आंगनबाड़ी में मतलब इसका व्यवस्था हो रहा है पेयजल का। तो इसे स्कूल, हाई स्कूल, तीन प्राथमिक शाला है। अच्छा, तीन प्राथमिक शाला, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, और मतलब इसी आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी भी है इसी। हाँ, मोटर से मतलब हाँ, समस्त स्कूलों में पानी जाता है। सभी स्कूलों में अलग अलग सबमर्सिबल डाला जा रहा है जी जी जी। उपस्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ भी मतलब पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। अच्छा, प्रशासन से और क्या मांग करना चाहते हैं आप? प्रशासन से मैं मांग यही करना चाहूंगा कि अपने पंचायतों की जो गलियां हैं जी जी, वो कीचड़ युक्त है, मैं उसको कीचड़ से मुक्त के लिए सीसी रोड सैंक्शन किया जाए शासन के माध्यम से। तो इसके बारे में आप ज्ञापन सौंप चुके हैं, प्रशासन को जानकारी दे चुके हैं? वैसे तो अपने जनप्रतिनिधि लोग आए थे, जैसे विधायक है, सांसद है जी जी जी, उनको अपने मांग पत्र दे चुके हैं जी 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 जी। सर और कुछ कहना चाहते हैं 15 अगस्त के उपलक्ष्य में अपने देशवासियों को? 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मैं सभी देशवासियों को हमारे 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं और सभी स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, निरोग हो। ठीक है सर, इसी तरह से आप अपने ग्राम विकास के लिए बने रहें, ग्राम का विकास करते रहें। आने वाले समय में अगर कोई समस्याएं, घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं या कुछ जानकारी प्रशासन तक बात को आप रखना चाहते हैं तो चैनल के माध्यम से रख सकते हैं। धन्यवाद।